हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम ऋतिक, आप देख रहे हो सुनिया सीकोटेक। तो जैसे कि इंटरफेस में देख ही चुके होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मैं बात करूँगा ओप्पो के फ़ोन की, कि आप लोग किस टाइप से ओप्पो के फ़ोन में कॉन्फ्रेंस में कॉल ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा आप लोग किस टाइप से कॉन्फ्रेंस में कॉल ले सकते हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और कॉन्फ्रेंस कॉल होता क्या है, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा। कॉन्फ्रेंस कॉल ये होता है कि आप लोग ग्रुप में बात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आप लोग दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते। जैसे अलग अलग जगह के दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, चार से पाँच व्यक्ति से आप लोग जितने जाए उतने बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल को वो कहते हैं। तो इस टाइप से आप लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी डाउट्स होगा कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलो, मैं उस पर वीडियो बना वीडियो शेयर कर दूंगा। और बेल का गेंदा बनना भूल, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो मेरी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं सेटिंग में चले जाता हूँ। मैं अबाउट फोन में देख लीजिए आप मेरा फोन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो आप लोग देख सकते हैं, ओप्पो का फोन है एंड ओप्पो का A37 फोन है। मैं बैक आ जाता हूँ और मेन पॉइंट रहता है अपना किस टाइप से आप लोग कॉन्फ्रेंस में कॉल ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फोन सेटिंग में। जैसे फोन में आप लोग चले गए डायरेक्टली, यानी फोन सेटिंग में चले जाने के बाद आप लोग कोई भी नंबर डायल कर लिए, सॉरी यहाँ पे गूगल स्टार्ट हो गया मेरा। तो आप लोग जैसे फ़ोन का इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस टाइप का, तो आप लोग जो भी कॉल करना चाहते, जैसे कि मैं कॉल कर लिया, जैसे कि मैंने नंबर डायल कर लिया है ना, आप लोग किस टाइप से कॉन्फ्रेंस में कॉल ले सकते। जैसे कि मैं कॉल कर लेता हूँ इस व्यक्ति को, तो मैं कॉल कर लिया, कुछ आ जाता है इस टाइप का इंटरफेस। तो अभी जैसे कि फ़ोन उठाएगा वो व्यक्ति, तो किस टाइप का आ जाता है, जैसे कि फ़ोन उठाएगा व्यक्ति, तो आप लोगों का देखिए जो 8 कॉल वाला जो फीचर दिख रहा है आप लोगों को वाला, वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो अपन इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग किसी का भी फ़ोन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कई सारे नंबर आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट में भी आप लोग दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन बट कॉन्टैक्ट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आप लोग नंबर शायद मेरा कॉपी कर ले या कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं नंबर तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको। लेकिन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोग किसी को भी कॉल कर सकते हैं आप लोग आसान तरीके से यहाँ पे 8 कॉल पर जाके। तो एक साथ दो से तीन व्यक्ति से आप लोग आसानी से बात कर सकते, ग्रुप कॉल भी कर सकते इसमें, इससे एक व्यक्ति से आप लोग बात कर सकते हैं या दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से। आप लोग 8 कॉल पर सिंपल तरीके से जाना है एंड आप लोग का जो कॉल है वो कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है एंड कई कई लोगों को नहीं पता था कॉन्फ्रेंस में कैसे लेते हैं यार ओप्पो के फ़ोन को। तो 8 कॉल में जाना है सिंपल तरीके से, आप लोग कोई भी नंबर डायल कर लीजिए। जैसे कि मैं और कोई भी नंबर डायल कर लीजिए, जैसे कंपनी का नंबर ही डायल कर लेता हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ पर डायल हो जाएगा। तो आप लोग ये भी फ़ोन हो जाएगा एंड देख ही सकते हैं आप लोग, दो दो नंबर आ चुके हैं मेरे पास, होल्ड पे आ गया है ना जो भी, वो भी नंबर उठाएगा सेकंड वाला, तो आप लोगों का जो फ़ोन है डायरेक्टली दो दो कॉल से हो जाता है। बट मैंने कंपनी को लगाया तो वो तो कंपनी तो उठाने से रही कॉल, उसको तो लगता नहीं फ़ोन, इसलिए मैंने सिर्फ डेमो करने के दिखाया है। तो आप लोग 8 कॉल पर जाके सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं दो दो कॉल, एंड आप लोग तीन चार जितनी भी चाहे आप कॉल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर्स मैंने बता दिया ओप्पो के फ़ोन में। एंड ऐसा नहीं कि यार ओप्पो के फ़ोन में, कई सारे फ़ोन में रहता है बट आप लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन मैंने ओप्पो के फ़ोन में सिंपल ओप्पो के फ़ोन के लिए वीडियो बनाया था कि आप लोग किस तरह से ओप्पो के फ़ोन में कर सकते हैं, जो कि कई कई फीचर्स नहीं बता रहे थे बट इस वीडियो में बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए यार। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, मैं उस पर वीडियो बना के आप बड़ा फिल कर दूँगा। बेल का गेंदा बनना भूल, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।